फ्रेंड्स, अगर आपको हिंदी आती है, हिंदी में हमेशा टाइप करते होंगे आप, कहीं भी आप, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, कहीं पे भी आप, अगर जिस तरीके से सपोज़ कीजिए आप यहाँ पे आप कोई भी टाइप करते हो, हेलो फ्रेंड कैसे हो, तो ये हिंदी में आप टाइप कर रहे हो एज ए इंग्लिश, एंड ये इसी तरीके से जाता है। और अगर आप चाहते हो कि ये जिस तरीके से टाइप करिए इंग्लिश में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो कि आप जिससे चैट कर रहे हो वो बदल जाए, तो ये बिल्कुल आसान है। और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे हम कोई भी चीज़ हिंदी में टाइप करेंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, या फिर कहीं पर भी आप रिप्लाई कर रहे हैं, तो आप जैसा ये रिप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। तो इस वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा और हम देखते हैं चल के कि क्या सेटिंग कर सकते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले एक दोस्तों, एक आपके पास जो यहाँ पे सेटिंग होता है, जो कीबोर्ड होता है, वो उसमें वो सेटिंग नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी सेटिंग करेंगे जहाँ पे आपको गूगल ट्रांसलेटर वहाँ पे मौजूद हो। तो जो टाइप बॉक्स है, अब सपोज़ करो कि सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाना है, और ऑलमोस्ट आज की डेट में जो मोबाइल्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होता है आपका जो कीबोर्ड है। तो अगर नहीं है तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि जी बोर्ड का ये एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लो दोस्तों। सपोज करो ये है, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड है, मैंने कोई डाउनलोड नहीं किया है। अगर नहीं होगा तो आप जी बोर्ड का यहाँ पे डाउनलोड करके इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये गूगल का प्रोडक्ट है, कोई एड्स नहीं है, कोई ये नहीं है यहाँ पे, तो ये काफ़ी बेहतर एप्लीकेशन है। इसको बहुत सारे लोगों ने, ये देखो आप भी 1 बिलियन डाउनलोड्स किया हुआ है, और इसी से ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग, आप यहाँ से चैटिंग धड़ाधड़ इंग्लिश में कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आप सेटिंग में जाना, वो इंस्टॉल करने के बाद, वो एक्चुअली इंस्टॉल करते ही आपको सारे सेटिंग आ जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके, आपके में कोई भी एडवांस सेटिंग में होगा या फिर सेटिंग में, मैं रियलमी का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये रियलमी में ये एडवांस सेटिंग में कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड होगा। ये ऑप्शन जहाँ भी होगा आप यहाँ से क्लिक कर लेना, हर मोबाइल में अलग अलग डिफरेंट जगह पे होता है। तो ये जब करोगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड का ऑप्शन होगा यहाँ पे। तो ये देखो दोस्तों, जीबोर्ड जो इंस्टॉल किया हमने वहाँ पे जीबोर्ड आ गया, और ये ऑटोमेटिकली टचपल है, और स्विफ्ट की ये मैंने अलग किया था कभी और ये एप्लीकेशन। तो आप जीबोर्ड को सिर्फ क्लिक कर लो दोस्तों, और जैसे ही आप जीबोर्ड को क्लिक करेंगे तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जीबोर्ड को आप क्लिक करते ही क्या करते हैं, हम ऑप्शन यहां पे करते हैं, और जैसे ही किया, ये देखो दोस्तों, ये जो इसका विजुअल है ये चेंज हो गया है, इसका फॉर्मेट जो है कीबोर्ड का वो चेंज हो गया, और ये बिल्कुल जी बोर्ड की तरह आ गया। अब यहाँ पे ऊपर में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, सपोज करो ये मिल गया आपको, इमोजीज के मिल गए, GIF के मिल गए, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सपोज करो आप किसी फ्रेंड से व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, ठीक है, तो आपने वो ऑप्शन लाना है, तो यहाँ पे देख रहे होगे ये राइट साइड में 3 डॉट्स के बगल में यहाँ गूगल ट्रांसलेटर का ऑप्शन है। जैसे ही आप गूगल ट्रांसलेटर ऑप्शन ऑन करेंगे, और दोस्तों एक और, अगर आपके मोबाइल में गूगल ट्रांसलेटर नहीं है, ऑलमोस्ट सारे मोबाइल्स में अब गूगल ट्रांसलेटर होता है, अगर नहीं है तो गूगल ट्रांसलेटर भी आप डाउनलोड कर लेना, उसके लिए भी प्ले स्टोर में जाके गूगल ट्रांसलेटर पहले से रखना, क्योंकि ये ऑलमोस्ट है, ये कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं है। जैसे गूगल ट्रांसलेट का जब आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक है, ये तो हर मोबाइल्स में ऑटोमेटिक होता है, नहीं होता है होगा तो आप यहाँ से डाउनलोड करके ऑटोमेटिक यहाँ पे रख लेना आप, तभी वो ऑप्शन आएगा दोस्तों। तो ये जैसे है, यहाँ पे आपने गूगल ट्रांसलेटर किया, और ये डिटेक्ट लैंग्वेज भी कह रहा है, अगर आप कोई लैंग्वेज, यहाँ पे सिर्फ आपको सेटिंग चेक करनी है, इंग्लिश में करनी है, तो यहाँ लिखेंगे हाय फ्रेंड कैसे हो आप। ये देखिए, जैसे आप हिंदी में यहाँ टाइप कर रहे हो हाय फ्रेंड हाउ आर यू, यहाँ पे टाइप कर दिया और ये आपको हाय फ्रेंड हाउ आर यू का रिप्लाई चला गया। कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग, ये ऑटोमेटिकली, तो इससे आपको वो जो सामने वाला जो चैट कर रहा है उसको समझ नहीं आएगा इतनी बेहतरीन इंग्लिश कहाँ से ये बोल रहा है, तो ये आपके लिए। और दोस्तों अगर आप इंग्लिश में बात करते हो, हिंदी में आप किसी को टाइप करके देना चाहते हो, यहाँ पे आपने इंग्लिश कर देना है और यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी कर देना है, ठीक है। और जब आप यहाँ पे डालेंगे हाय फ्रेंड
कैसे हो, हाय दोस्त कैसे हो, तो ये टाइप कर देगा आपको। तो थोड़ा बहुत ये स्पेलिंग का ये था है, या फिर आप इंग्लिश में डायरेक्टली, ये क्योंकि हम डायरेक्टली इंग्लिश में नहीं कर रहे हैं ना, तो है हाय फ्रेंड हाउ आर यू, अगर इंग्लिश में हम डालते हैं तो ये देखिए मित्र आप कैसे हैं, ये ऐसे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ये तरीका है दोस्तों ये गूगल बोर्ड को हमें इंस्टॉल करने का, और इसका बहुत अच्छा है, इससे आप कोई भी लैंग्वेज में टाइप कर सकते हो। सपोज़ करो आपके पास कोई फ्रेंड है और वो क्या है कि किसी अदर लैंग्वेज का है, सपोज़ करो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, और आप इंग्लिश जानते हो या हिंदी जानते हो, तो आपने यहाँ से बस यहाँ टाइप करनी है। सपोज़ करो आप किसी जर्मन फ्रेंड से कर रहे हो, तो जर्मन फ्रेंड में हाय फ्रेंड हाउ आर यू, ये देखो दोस्तों ये जर्मन में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया। और जर्मन जिससे भी बात कर रहे हो, फॉरेन में बात कर रहे हो, तो ये आपका यहाँ से फॉरेन में उससे टॉक कर सकते हो, जैसे ही आएगा वहाँ से मैसेज, फिर आप यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर में डाल के और आप उस चीज़ को कन्वर्ट करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन फीचर है, हर मोबाइल में सबको होना चाहिए, इससे बहुत ही हेल्प मिलता है। तो ये जी बोर्ड का जो ऑप्शन है, आप दोस्तों जी बोर्ड के थ्रू ये आप यहाँ से जी बोर्ड का जो ऑप्शन है उसके थ्रू आप जरूर कर लो। और ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। और बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों आगे के फ्यूचर